16 ITTF वर्ल्ड जूनियर सर्किट, ये प्रीमियम इवेंट इंदौर में 7 सितंबर से 11 सितंबर तक खेला जा रहा है, जिसमें 6 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और भारत के सबसे जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, जिसमें मुख्य तौर पे मानव ठक्कर और अर्चना कामत, ये दो खिलाड़ी भी इस स्पर्धा में भाग ले रहे हैं, जो राष्ट्रीय विजेता हैं उनके साथ, और जो शीर्ष खिलाड़ी हैं वो इस स्पर्धा में भाग ले रहे हैं, और विशेष तौर पे जो सबसे प्रमुख दल है चयनित पे का, वो भी इस स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। और इस स्पर्धा के टेक्निकल पार्ट को हैंडल करने के लिए और ITTF की तरफ से कंपटीशन मैनेजर के रूप में जेन्स लैंग ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आए हैं, उनके साथ में भारत के श्री चंद्रकिरण थाड़े और एन गणेशन, ये उनको असिस्ट कर रहे हैं, और चाइना की वांग सिन ये डिप्टी रेफरी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। ये वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट है, इसमें जो कैटेगराइजेशन होता है वो प्राइज मनी के हिसाब से होता है। इस स्पर्धा में $8,000 की पुरस्कार राशि है, जिसको कि जूनियर सर्किट में प्रीमियम इवेंट के नाम से जाना जाता है। प्रीमियम इवेंट के अंदर अधिक अंक खिलाड़ियों को मिलते हैं और इसका उनकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है, इसलिए इसका लाभ देश के खिलाड़ियों को मिलने की पूरी उम्मीद है। इसमें कम से कम 20 से अधिक वर्ल्ड रैंकिंग के प्लेयर्स हैं और मध्य प्रदेश की अनुषा कुटुम्बले को भी इस स्पर्धा में खेलने के हेतु लिए पात्रता मिली है। बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा है और थोड़ा सा नर्वस भी कि यहाँ पे सब बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, ताइपे से भी आए और इंडिया के बहुत अच्छे प्लेयर्स है, मैं यहाँ पे आके थोड़ा एक्सपीरियंस लेने चाहता हूँ और शायद अगर अच्छा खेले तो शायद जीत भी जाऊँ। हाँ एक्चुअली मेरा फादर इंडियन है लेकिन मैं बॉर्न वहीं पे हुआ हूँ, तो पासपोर्ट इंडोनेशियन है मेरा, और हाँ हिंदी, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 साल रहा था तो मेरे को हिंदी आ गई थी यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीमियम सर्किट है, इसमें अगर जीतो तो शायद पॉइंट्स भी मिलते हैं इसमें, तो शायद जीत के रैंकिंग मिले मेरे को ITTF।